हंसों को मोती अति प्रिय होते हैं। मोतियों से आकर्षित होकर हंस स्वयं ही आपके कक्ष में आ जाएंगे। सच्ची? ये किस हंस के विषय में वार्तालाप हो रही है? महाराज, आपके बारे में, हमारे बारे में। धन्यवाद गुरु माता अम्माचार्य, आपके निर्देश का पालन होगा। सब जोड़ दो, सब जोड़ दो। गुरुवर, अब आपकी बारी है, अब आपको अपनी भूमिका निभानी है। अवश्य निभाएंगे। पापी, दोष, पाखंडी। स्वामी, यह किसे कोस रहे हैं? वो वामाचार्य। परंतु क्यों? वो वामाचार्य की कीर्ति को कम कर रही है। ये जो अम्माचार्य है, वामाचार्य के बताए उपायों का तोड़ सबको बता रही है। यह संभव है? असंभव संभव हो रहा है। तुम्हें पता है, ये अम्माचार्य छोटी महारानी तिरुमल लंबा से मिलने राजमहल गई थी। अब इस प्रकार तो वामाचार्य की कीर्ति भंग हो जाएगी। विजयनगर राज्य में वामाचार्य की छवि धूमिल हो जाएगी। इस धूर्त पाखंडी अम्माचार्य को पाठ पढ़ाने के लिए कोई उपाय तो होना चाहिए। तुम क्या करोगी? अब जो करेंगी गुरु माता वामाचार्य ही करेंगी। परंतु सर्वप्रथम तो प्रातः काल ही महारानी चिन्ना देवी से भेंट करनी होगी। देखिए गुरु माता, चित्र में मात्र एक ही हंस है, ऐसा कैसे संभव है? हंस के उड़ने के पश्चात महाराज भी कक्ष में नहीं बदा रहे, वो तो महारानी तिरुमलम्मा के ही कक्ष में है। ये सब कैसे हो रहा है गुरु माता? हमें ज्ञात है ये सब क्यों हो रहा है। क्यों? महारानी तिरुमलम्बा अम्माचार्य से मिली थी, महाराज को आकर्षित करने के उपाय कर रही है वो, इसीलिए हंस उड़ गया। हंस उड़ गया? परंतु गुरु माता, चित्र में चित्रित हंस कैसे उड़ सकता है? आप ही बताइए महारानी, हंस कहाँ गया? चित्र में तो एक ही हंस है। हंसों के जोड़ों का अलग होना अपशगुन होता है। महारानी, आप तत्काल दो हंसों के जोड़ों का एक चित्र लगवाइए और इस बार उसे पिंजरे में रखिए ताकि वो पुनः उड़ ना जाए। तत्पश्चात महाराज आप ही के पास आएंगे। उड़ने दीजिए हंसों को, उड़ते हुए पक्षी आसमान में प्रसन्न रहते हैं एवं प्रसन्नता फैलाते हैं। उड़ते हुए हंसों के जोड़े का चित्र आप अपने कक्ष में लगा लीजिए। महाराज आपकी ओर खींचे चले आएंगे। जो आ गया, अब समय आ गया है एक दूसरे के सामने आकर युद्ध करने का। हमें अम्माचार्य से मिलना ही होगा। आज दूसरी शक्तियां टकराने वाली हैं। हे माँ, तुम ही सहायता करना। तिरुमलम्मा, हमारे हंस कहाँ हैं? हमें क्या पता, उद्यान में विचर रहे होंगे कहीं। हम जानते हैं हमारे हंस आपके पास हैं। हम आपके हंस क्यों लेंगे? हमारे पास स्वयं अपने हंस हैं जो आसमान में उड़ते हैं। वो आपके नहीं, हमारे हंस हैं जिन्हें आप पिंजरे से निकालकर उड़ा रही हैं। महाराज, ये जिस हंस को लेकर वाकई युद्ध चल रहा है ना, वो हंस तो आप हैं। याद है हमें, वैसे हमारी दोनों महारानियां विवाद करते हुए कितनी मनमोहक लग रही हैं। हाँ वो तो है, परंतु ये वामाचार्य और अम्माचार्य कब प्रारंभ होंगे? महारानी चिन्ना देवी, आप अपने कक्ष में मोतियों का चित्र लगवाइए। अवश्य। हंस मोती चुगने आप ही के कक्ष में आएंगे। मोतियों का उपाय हमारा था, अर्थात अम्मा का।
अर्थात अम्माचार्य का। परंतु हमने ले लिया, क्या करेंगी अम्माचार्य? वो भी तो हमारे उपाय का काट कर रही हैं। हम केवल अपने यजमान की सहायता कर रहे हैं। परंतु आपकी सहायता हमारे यजमान के लिए संकट बन रही है। उठा लो। क्या उठा ले? कोई भी और उपाय उठा लो, अम्माचार्य के उपाय की आवश्यकता नहीं है। आपके यजमान का संकट हमारी समस्या नहीं है। अम्माचार्य, आपके जीवन में समस्या तो अब उत्पन्न होगी। आपने हमारे मार्ग में बहुत बाधाएं उत्पन्न की हैं। आप तो इतनी बड़ी वास्तु शास्त्री हैं, आपके पास इन विघ्नों का कोई निवारण नहीं है? कुछ उपाय तो हमारा ये चिमटा ही कर लेता है। उठा लो अम्मा, लाठी उठा लो, इनके चिमटे का यही तोड़ है। तोड़ दो, तोड़ दो, तोड़ देना चाहिए। सब चोर डालो, सब चोर डालो। स्थिति गंभीर हो रही है माँ, संभाल लेना। अब तो हमारा ये चिंता ही निर्णय करेगा कि किसको वास्तु का ज्ञान है। मेरी लाठी भी आपकी चुनौती स्वीकार करती है। पंडित रामकृष्ण, रोकिए उन्हें, इससे पहले कि यहाँ पर युद्ध प्रारंभ हो जाए। अरे पीछे, पीछे, अरे पीछे, पीछे, शांत शांत हो जाइए। आदरणीय वामाचार्य जी, अम्माचार्य जी, ये चिमटे और डंडे से इस समस्या का हल नहीं निकलेगा। अम्माचार्य शांत, वामाचार्य शांत, शास्त्रार्थ से इसका हल निकाला जा सकता है। आप दोनों शास्त्रार्थ कीजिए, आप दोनों में वाद विवाद में जो विजयी होगा वही वास्तु शास्त्र का महाज्ञानी माना जाएगा। हाँ। परंतु शास्त्रार्थ तो उसके साथ किया जाता है जो ज्ञानी हो। जिसे कोई ज्ञान ही ना हो उससे शास्त्रार्थ कितना उचित है। इन्हें भी आपके साथ शास्त्रार्थ करके अपना समय व्यर्थ नहीं करना। अरे माँ, क्या कर रही हो? यदि तुम वाद विवाद नहीं करोगी तो सबको लगेगा कि तुम भयभीत हो गई। अधिक ज्ञानी तो तुम ही हो ना। हाँ, तो विजेता भी तुम्हें होगी। हाँ गुरु वामाचार्य, अब विजेता तो आप ही को होना है, फिर शास्त्रार्थ से भय कैसा है? करेंगे शास्त्रार्थ। हाँ, करेंगे शास्त्रार्थ। हाँ, हाँ, हाँ। प्रणाम महाराज। प्रणाम, प्रणाम। क्या हम जान सकते हैं कि आप दोनों महाज्ञानी यहाँ पर किस प्रयोजन से उपस्थित हैं? महाराज, हो ये रहा है कि गुरु माता वामाचार्य और गुरु माता अम्माचार्य परस्पर वाद विवाद करके झगड़ रहे थे और हम इन्हें समझाने का प्रयास कर रहे थे। हम समझा रहे थे कि हिंसा, हिंसा से किसी भी समस्या का हल नहीं निकलता है। उचित बात है आचार्य, किंतु ये विवाद किस विषय पर है? इस विषय पे महाराज कि इन दोनों में से वास्तु शास्त्र में अधिक विद्वान कौन है। महाराज, छोटी महारानी के साथ आई अम्माचार्य गुरु माता वामाचार्य का कार्य भंग कर रही है। महाराज, गुरु माता अम्माचार्य का कार्य तो ये वामाचार्य भंग कर रही है। महाराज, मेरा सुझाव है कि इस पर शास्त्रार्थ अवश्य होना चाहिए। अति उत्तम विचार है पंडित रामकृष्ण। किसी भी विवाद का समाधान तो सभ्य तरीके से ही निकाला जाना चाहिए। जी। अगर ऐसी ही बात है तो हम शास्त्रार्थ के लिए सहर्ष प्रस्तुत हैं। तो अम्माचार्य भी शास्त्रार्थ के लिए तत्पर तैयार है। ठीक है, तो इसका निर्णय कल राज्यसभा में सबके समक्ष होगा। वामाचार्य जी, अम्माचार्य, कल आप दोनों राज दरबार के समक्ष अपने वास्तु ज्ञान को लेकर तर्क वितर्क करेंगे और वहीं ये निर्णय होगा कि कौन बड़ा विद्वान है। महाराज, हमारी योजना का दूसरा चरण भी सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ, अब तीसरे चरण की बारी है। तीसरा चरण क्या है पंडित रामकृष्ण? हम वामाचार्य और अमाचार्य की शास्त्रार्थ में सहायता करेंगे। मेरे द्वारा रचित वास्तु शास्त्र के मनगढ़ंत उच्च टोट के बताएंगे और उनका प्रदर्शन करने के लिए कहेंगे। वो जब राज्यसभा में इसका प्रदर्शन कर रहे होंगे तब हम उनकी पोल खोल देंगे। ये वास्तु के टोटके, ये वास्तु के कैसे टोटके? आचार्य, इस चिट्ठी में सब कुछ लिखा है, पढ़ लीजिएगा।
महाराज आशीर्वाद दीजिए, अब हम सीधा कुरुक्षेत्र में ही मिलेंगे। विजय भव। शिव 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 समझ गए, भली भांति समझ गए प्रभु, भली भांति समझ गए स्वामी, समझ गए समझ गए स्वामी स्वामी। हाँ भगवान जी, आज भगवान शिव ने हमें साक्षात दर्शन दिए। वो तो आपको दर्शन देते रहते हैं, आप उनके परम भक्त जो हैं। परंतु आज विशेष कारण से दर्शन दिए। विशेष कारण? प्रभु ने हमें वास्तु ज्ञान दिया। पुना। हाँ, अम्मा, पिताजी पुना मेरे स्वप्न में आए थे, कह रहे थे कि वो झूठी वामाचार्य ज्ञानी को इस शास्त्रार्थ में कभी विजयी नहीं होना चाहिए, अतः उन्होंने मुझे एक और पुस्तक दी है। इसमें वास्तु के उच्च ज्ञान है, इसका प्रयोग कल हम उस लालची वामाचार्य के विरुद्ध करेंगे, उसे सबक सिखाने के लिए। इसे पढ़कर तुम और भी बड़ी वास्तु शास्त्री बन जाओगी। स्वामी आप तो राज पुरोहित हैं, आपको वास्तु शास्त्री बनने की क्या आवश्यकता है? मूर्ख। मूर्ख? मूर्ख नहीं है हम, युवराज पुरोहित का पद त्याग कर वास्तु शास्त्री बने। वो ज्ञान तो प्रभु ने तुम्हारे लिए दिया है। हमें नहीं चाहिए स्वामी, हम तो घर गृहस्थी और आपकी सेवा में ही प्रसन्न हैं। हैं? जी। अम्मा, अम्मा, और अधिक ज्ञान मिल रहा है तो इसमें हानि क्या है? हैं? अम्मा चारे का ज्ञान उस पाखंडी वामाचार्य को पाठ पढ़ाने के लिए बहुत है। नहीं, हमारे कहने का तात्पर्य है कि ये जो ज्ञान है ये वामाचार्य के लिए दिया है ताकि शास्त्रार्थ में अम्माचार्य विजय ना हो पाए। ठीक है प्रभु, तो आप ये ज्ञान गुरु माता वामाचार्य जी को दे दीजिएगा, तो आपकी धर्म पत्नी है ना? अम्मा अम्मा सुनो ना, सुनो तो, पिताजी केवल तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं, एक बार पुस्तक पढ़ लो। उठा लो। देखो अब तो शारदा भी कह रही है पुस्तक उठा लो और पढ़ लो। नहीं, आप पुस्तक उठा लो और जाकर सो जाओ, अम्माचार्य को विश्राम करने दो, कल इन्हें बहुत काम है। कल गुरु माता वामाचार्य जी बहुत व्यस्त रहेंगी, आपसे भेंट करने का उनके पास समय नहीं रहेगा। उचित, परंतु आप हमारा एक संदेश उन तक पहुंचा सकती? जी स्वामी। तो उनसे कहिएगा शास्त्रार्थ से पूर्व हमसे भेंट करें, हम उनकी सहायता करना चाहते हैं। जो आज्ञा स्वामी, हम संदेश पहुंचा देंगे, परंतु आपको ज्ञात करा दें कि गुरु माता वामाचार्य को किसी की भी सहायता की आवश्यकता नहीं है। क्या? किंतु आपने तो हमसे कहा था कि आपकी योजना सफल होगी। कहा था महाराज, कहा था, परंतु सत्य कहूं तो अब पता नहीं क्या होगा, अब सब कुछ माँ के हाथ में है। प्रियजनों, जैसा कि आप सबको ज्ञात है, आज राज्यसभा में महासंग्राम होने वाला है, दो महान वास्तु शास्त्रियों के मध्य शास्त्रार्थ होगा। तो सबसे पहले हम गुरु वामाचार्य को सभा में पधारने का निमंत्रण देते हैं। तोड़ दो, तोड़ देना चाहिए, बदल देना चाहिए, संसार तो अज्ञानियों का संभल लेना चाहिए, तोड़ देना चाहिए, बदल देना चाहिए, तोड़ दो, तोड़ देना चाहिए। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। अम्माचार्य की जय। 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 गुरु माता अम्माचार्य का महाराज को प्रणाम। जी प्रणाम। अगर महाराज का आदेश ना होता
तो हम इस शास्त्रार्थ के लिए कभी नहीं आते। शास्त्रार्थ आपसे है भी नहीं, हमारा शास्त्रार्थ अम्माचार्य से है। शब्द हमारे हैं परंतु भावना अम्मा की है। अपनी हार के लिए तैयार हो जाइए। हम पराजित नहीं हो सकते हैं, हम वास्तु शास्त्र के महाज्ञानी हैं। वो तो आपको पहले प्रमाणित तलना पड़ेगा। मेरा इतना दुस्साहस, दुष्ट बालक। सूर्य को अपना प्रकाश का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। महाराज, शास्त्रार्थ आरंभ करने का आदेश दें। अनुमति है। अम्माचार्य, एक अति सरल प्रश्न से आरंभ करते हैं। वास्तु शास्त्र में कितनी दिशाएं होती हैं? हमारा शास्त्रार्थ अम्माचार्य से है। बारह दिशाएं होती हैं। महाराज, तो ये है इनके वास्तुशास्त्र का ज्ञान। अम्माचार्य, बारह नहीं 10 दिशाएं होती हैं। अम्माचार्य ने कहा 12 दिशाएं होती हैं, तो 12 दिशाएं होती हैं। 8 का तो हर सामान्य पुस्तक में वर्णन है। हम जैसे महाज्ञानियों को 2 और पता है। आपको 2 और कौन सी पता है? 8 दिशाओं के अलावा आकाश और पाताल आप जैसे ज्ञानियों को पता है, परंतु हम जैसे महाज्ञानियों को 2 और दिशाएं पता है। 11वीं दिशा वो जातक जो समस्या लेकर आता है, और 12वीं दिशा वो वास्तु शास्त्री जो समस्या का निवारण कर देता है। हम जैसे उच्च कोटि के वास्तु शास्त्री स्वयं को और जातक को भी दिशाओं में गिनते हैं। सालो, 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 सालो। क्या आप जातक और वास्तु शास्त्री का पृथक कर सकते हैं? यदि जातक और वास्तु शास्त्री का पृथक किया जाए तो उनकी गणना शून्य हो जाती है। 10 दिशाएं जातक और वास्तु शास्त्र की अनुपस्थिति में मृत है। अद्भुत, अद्भुत तर्क था गुरु माता अम्माचार्य। अगर महाराज की अनुमति हो तो हम वास्तु के प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत करना चाहेंगे। अवश्य, अनुमति है। महामंत्री तिम्मारसु जी, अपनी तलवार निकालिए। जी, निकालिए तलवार। महामंत्री, महाराज, आप चाहते क्या हैं? हम समस्त जीवन यहाँ पर उल्टे सिंहासन पर बैठे रहे? नहीं महाराज, कदापि नहीं। तो तलवार दीजिए अपनी। अति उत्तम, अब इस तलवार को उल्टा रख दीजिए। जी? अब कैसा अनुभव कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। काश तुमने रात में मेरी बात मान ली होती तो वास्तु शास्त्रार्थ में हुई हार नहीं होती। क्या होगा? अपनी पराजय देखकर आप अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। हाँ, आपका प्रयोजन क्या है? इस प्रकार से करेंगे तो कोई भी भ्रमित हो जाएगा। पंडित रामकृष्णा, आप कोई भी नहीं हैं। आप विजयनगर के महाराज के विशेष सलाहकार हैं। धनाचार्य, पंडित रामकृष्णा को उनकी माला वापस प्रदान करें। महाराज, अब आपने स्वयं अवलोकन कर लिया होगा कि किसी भी वस्तु का अगर स्थान परिवर्तित किया जाए तो उसका क्या प्रभाव होता है। महाराज,
हमने आपके सामने दो साक्षात प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, एक दिशा और दूसरा स्थान का। महाराज, हमें विश्वास है कि हमारे इन दो उदाहरणों से हमारे वास्तु ज्ञान का प्रमाण मिल गया होगा। अम्माचार्य, क्या आप कुछ कहना या करना चाहेंगी? अम्मा पूछ रही है वो पुस्तक कहाँ है। अरे वो पुस्तक तो मैंने घर पर ही छोड़ दी, अम्मा ने कहा था उन्हें उसकी आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा रुको, मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ। हाँ रामा, रामा। क्या हुआ अम्माचार्य, आप चुप क्यों हैं? प्रतीत होता है कि अम्माचार्य की तरह उनका मस्तिष्क भी मौन हो गया है। कहीं आप हमारे वास्तु के चमत्कार देख के स्तब्ध तो नहीं रह गई हैं? क्या अब आपको प्रतीत हो रहा है कि आपका वास्तु ज्ञान सच्चा नहीं है? अम्माचार्य का ज्ञान ही सच है। तो साबित कीजिए जैसे हमने किया। और नहीं कर सकती हैं तो बताइए, क्या अब भी आप अपने आप को हमसे अधिक ज्ञानी मानती हैं वास्तु शास्त्र का? हार मान लीजिए अम्माचार्य, क्यों हमारा और महाराज का समय नष्ट कर रही हैं आप? महाराज, हमारे विरोधी के पास हमारे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं है। अब आप ही निर्णय लीजिए कि हम में से कौन अधिक वास्तुज्ञानी है। दोनों पक्षों का वाद विवाद सुनने के पश्चात हमारा ये निर्णय है कि ठहरिए महाराज, मैं समस्याओं से घिरा पाया तो तुम्हारी सहायता करने के लिए उपस्थित हो गया। परंतु आप पहले तो ऐसे नहीं थे। अम्मा आपकी हमें कोसती रहती थी, आपने तो कभी सहायता नहीं की। जब हम सब्जी खरीदने जाते थे आप तो कभी हमारे साथ नहीं आए, हमेशा हमें कोसते रहते थे कि आपकी परवरिश की वजह से रामा इतना बड़ा नालायक बन गया है। तो आज आपके आशीर्वाद से रामा इस दरबार का सलाहकार बन गया है। आपके कहने पर हमने लाठी मार मार के उसे सीधा कर दिया है। ये सब आपके परामर्श का ही परिणाम है। ये हमारी बहू, मतलब हम आपकी बहू। सौभाग्यवती बहू। मंत्रीवर, महाराज हमें किसने रोका है और क्यों? क्या चल रहा है वहाँ पे? महाराज, ये महोदय अम्माचार्य जी के संबंधी लगते हैं। महोदय आप कौन हैं? और इस प्रकार हमारी राजसभा में आने का उद्देश्य? ये हमारे पति परमेश्वर हैं। परंतु आपके पति तो पंडित रामकृष्ण हैं। ये नहीं, ये इनके पति परमेश्वर हैं। इन्होंने ही मुझे वास्तु शास्त्री बनने की प्रेरणा दी थी और आज स्वयं हमारा ज्ञान प्रमाणित करने के लिए स्वर्ग से यहाँ पधारे हैं। प्रणाम महाराज। प्रणाम। में बहुमूल्य मणियां अलंकृत हैं। पढ़े लिखों की भाषा संस्कृत है। किसे है अधिक ज्ञान, स्वयं सूर्य देव देंगे इस बात का प्रमाण।
सूर्य का प्रकाश है मेरे ज्ञानी होने का प्रमाण, अंधकार है वामाचार्य के अज्ञानी होने का प्रमाण। अभी कुछ ही क्षणों में सूर्य का प्रकाश लुप्त हो जाएगा। नाना, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। जी हाँ, ये कैसे संभव है? इस समय सूर्य का प्रकाश ओझल होना असंभव है। प्रतीक्षा कीजिए। महाराज, ये सब क्या उपहास है? यहाँ कुछ भी घटित नहीं हो रहा है। इनका कथन तो सत्य हो गया। अद्भुत, ये तो चमत्कार हो गया। इसे ये बात प्रमाणित होती है कि अम्माचार्य ही परम ज्ञानी है, वो एक वास्तविक वास्तुशास्त्री है। अम्माचार्य, हमें क्षमा कर दे, स्वयं सूर्य के प्रकाश ने प्रमाणित कर दिया कि आप ही ज्ञानी हैं, तो हम कौन होते हैं नकारने वाले? हमें अपना शिष्य स्वीकार करें अम्माचार्य। धनी, अब हमें इस दुष्ट बुड्ढे के पास फिर से वापस जाना होगा। नहीं, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसका श्रेय तो रामा के पिताजी को ही जाता है। मेरे पास रुक जाइए अम्मा जी, इसमें पंडित रामकृष्ण का कोई दोष नहीं है, ये सब इन्होंने हमारे आदेश से ही किया। हाँ अम्मा, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम दोनों को भ्रमित रखा, परंतु मैं भी क्या करता, यही एक उपाय था तुम दोनों के सर से वास्तुशास्त्र का भूत उतारने का। पिताजी का स्वप्न आना, पुस्तक पर पुष्प का गिरना, उस पुस्तक के माध्यम से मेरा तुम्हें वास्तुशास्त्री बनने के लिए प्रेरित करना, वो सब असत्य था। परंतु मैं यदि ये सब नहीं करता तो हम महाराज के सिंहासन को कदापि सीधा नहीं कर पाते और इसका विजयनगर साम्राज्य पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ता। इसीलिए मेरी ही बनाई योजना के अनुरूप मंत्रीवर ने, आचार्य ने और स्वयं महाराज ने मुझे अपना सहयोग दिया और आज यहाँ आप लोगों ने जो कुछ भी देखा वो केवल एक नाटक था। और वो वास्तु का ज्ञान जो हमें स्वामी ने दिया? क्षमा करना, परंतु वो भी इसी योजना का एक अंश था। मैं और आचार्य आप दोनों का विश्वास जीतना चाहते थे, इसलिए ये सारा नाटक किया। अल्प ज्ञान की वजह से
वास्तुशास्त्र के कारण जो अंधविश्वास नगर में फैल रहे थे उसका एहसास आप दोनों को दिलाना अत्यंत आवश्यक था, और वो इसी प्रपंच के द्वारा किया जा सकता था। परंतु पंडित रामाकृष्णा, हमने तो वामाचार्य के सुझाव पर ही अपने कक्ष में दो हंसों का चित्र लगाया था, उसके पश्चात महाराज ने कक्ष में आना भी आरम्भ कर दिया, ये सब कैसे संभव हो? वो तो हमें छोटी महारानी जी के भोजन से अपच हो गया था। महारानी जी, वो हम आपको एकाकी नहीं छोड़ना चाहते थे, हमारा आपके साथ भी भोजन करने का मन था इस प्रयोजन से। और वो जो अम्माचार्य के कहने पर हमने मोतियों की माला का प्रयोग करना शुरू किया था, उसके पश्चात तो आपने हमारे कक्ष में आना जाना प्रारंभ कर दिया था। वो भी हमारी ही योजना का भाग था। क्षमा करें, परंतु सूर्य देवता के पास इतना समय कहाँ कि वो किसी के पक्ष में निर्णय देने के लिए स्वयं दरबार में पधारे, वो तो अत्यंत व्यस्त रहते हैं। अंधकार और प्रकाश का जो चमत्कार आप लोगों ने आज दरबार में देखा वो तो प्रकृति की एक साधारण सी घटना थी, सूर्य ग्रह। परंतु आपको कैसे ये पता था? शारदा, सामान्य ज्योतिष का कोई भी ज्ञाता पंचांग की सहायता से ये बता सकता है। और वो जो सब कुछ शुभ हो रहा था सिंहासन उल्टा करने के पश्चात, वो शुभ समाचार महारानी जी, अच्छी फसल तो किसान की मेहनत और इंद्र देवता का आशीर्वाद होती है। और वो पड़ोसी राजा के अस्वस्थ होने की बात? पड़ोसी राजा अत्यंत ही विलासी और दुराचारी है, तो एक ना एक दिन तो उन्हें अस्वस्थ होना ही था, आज नहीं तो कल। पंडित रामाकृष्णा, परंतु आपने ये सब रचा कैसे और क्यों? जी, वास्तुशास्त्र के अधूरे ज्ञान की वजह से पूरा विजयनगर प्रभावित हो रहा था, जिसके प्रकोप से राजमहल भी नहीं बचा। विपदा जब महाराज के सिंहासन पर आई तो मैंने, स्वयं महाराज ने और आचार्य ने मिलकर ये योजना बनाई ताकि समस्त विजयनगर को उन अंधविश्वासों से उबारा जा सके जो वास्तुशास्त्र के अल्प ज्ञान की वजह से फैल रहे थे। परंतु आपने अम्मा के विरुद्ध इतना बड़ा षड्यंत्र क्यों रचा? रामा, ये तूने उचित नहीं किया। मुझे क्षमा कर दो अम्मा, मैंने वामाचार्य के विरुद्ध तुम्हें अपनी योजना में एक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया, परंतु मैं क्या करता, और कोई उपाय मुझे सूझा ही नहीं। हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी। कर दिया, कर दिया, कर दिया। गुरुजी, हमें अपनी शरण में ले लो गुरुजी। माफ कर दो, क्षमा कर दो गुरुजी। गिराओगे अपनी शरण में ले लीजिए। क्षमा कर दो। ले ले ली, ले लिया, ले लिया। गुरुजी आप महान है, अब तो महानों के महान है। ले ली, ले ली। तो कहिए वामाचार्य जी, क्या अब हम अपना सिंहासन सीधा कर सकते हैं? महाराज, हमें और लज्जित ना करिए, हम क्षमा प्रार्थी हैं, हमारी आंखें खुल गई हैं, हम समझ चुके हैं कि वास्तुशास्त्र जीवन का मूल नहीं है और इसका अल्प ज्ञान बहुत ही हानिकारक और विनाशकारी हो सकता है। पंडित रामकृष्णा, गुरुवर, आप दोनों ने अपनी बुद्धिमता और चतुराई से हमें इस संकट से निकाला है, हम आप दोनों के अत्यंत आभारी हैं। आचार्य वर, जी महाराज, हम आपको एक सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं प्रदान कर आपको पुरस्कृत करते हैं। धन्यवाद महाराज। पंडित रामकृष्णा, अब आगे की कार्रवाई प्रारंभ करते हैं, किंतु उससे पहले हमारा सिंहासन सीधा करवाइए। तो सूरज राव जी। जी महाराज। अब आप कब प्रस्थान कर रहे हैं? प्रस्थान, कहाँ प्रस्थान करना है महाराज? महामंत्री जी। महाराज, आपने सूरज राव जी को कुछ सूचित नहीं किया? क्या क्या महाराज? आप भूल गए, हमने कल आपसे मछलीपट्टनम के बारे में बात की थी और आपने हमें आश्वासन दिया था कि आप सब संभाल लेंगे। जी, हमें स्मरण आ गया मछलीपट्टनम की समस्या महाराज। तो फिर महाराज हमें क्षमा कीजिए, आपका संदेश हमें स्मरण नहीं रहा। सूरज राव जी, मछलीपट्टनम में परिस्थितियां अत्यंत विकट है, वहां राज्य की व्यवस्था गड़बड़, अनेक समस्याएं हैं वहां पर, वहां परिस्थितियां दिन ब दिन बड़ी प्रतिकूल होती जा रही हैं। तो फिर तुरंत वहां जाइए, आपकी तत्काल वहां पर आवश्यकता है। क्यों आ गए हम?
चलिए सूरज राव जी तो गए मछलीपट्टनम, अब इस दरबार में उनका स्थान रिक्त हो गया है और दरबार में खाली स्थान अच्छा नहीं प्रतीत होता। गुरुवर, किसे दिया जाए ये रिक्त पद? महाराज, जो योग्य व्यक्ति हो, बुद्धिमान, समस्या से भागे नहीं, उसका हल निकाले, समाधान प्राप्त करे और वो चतुर भी हो। तो बताइए गुरुवर, कौन है जो हमारी समस्याओं का समाधान करता आया है? कौन योग्य है इस पद के लिए? महाराज, वो पंडित रामकृष्ण जैसा होना चाहिए। आपने ठीक कहा गुरुवर, हम आपके सुझाव से पूर्णतः सहमत हैं। हाँ, सत्य वचन महाराज, पंडित रामकृष्ण ही होना चाहिए। हम चाहते हैं पंडित रामकृष्ण इस पद को ग्रहण करें। महाराज, ये जो सम्मान आपने मुझे प्रदान किया है, उसका धन्यवाद करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। पंडित रामकृष्ण, शब्दों की सीढ़ी अपरिचितों के हृदय तक पहुंचने के लिए काम आ सके, अपनों के लिए। जाइए, अपना स्थान ग्रहण कीजिए। दान देती हूँ। समस्त वेद पुराण उपनिषद और शास्त्रों का ज्ञाता हुआ तू। जीवन भर वैभव और ऐश्वर्य तेरे साथ साथ चलेंगे। सारा श्रेय पंडित रामकृष्ण ले गए। रथाचार्य के सामने बैठेगा और हमें क्या मिला? एक शास्त्र स्वर्ण मुद्रा है बस। हमारे लिए ये असहनीय है। थोड़ा व्यवहारिक होना चाहिए। पंडित रामकृष्ण एक सामान्य मनुष्य है, कोई भगवान तो है नहीं। संभवतः वो भी कभी किसी ऐसी परिस्थिति, ऐसी किसी विपदा में फंस सकते हैं जहां से वो निकलना पाए। पंडित रामकृष्ण कभी नहीं फंस सकते, उनके पास हर विपत्ति का हल होता है। हाँ, हर विपत्ति का हल हम नहीं मानते। शर्त लगाइए। शर्त लगाते हैं, संभवतः पंडित रामकृष्ण ऐसी किसी परिस्थिति में फंस सकते हैं या फंसेंगे जहां से उनका बाहर निकलना असंभव होगा। शारदा, आज हमने आपकी मनपसंद सब्जी बनाई है। अरे वाह, कौन सी सब्जी बनाई है? करेले की। क्या, परंतु मुझे करेला कहाँ पसंद है? मैंने कब कहा मुझे करेला पसंद है? एक निवाला भी कंठ से उतारना मुश्किल हो जाता है। परंतु आप ही ने तो कहा था, जब मनुष्य भूख से अत्यंत व्याकुल हो जाता है तो उसे करेला भी मिष्ठान भांति स्वादिष्ट लगने लगता है। तो आप जब अत्यंत भूखे होंगे तो आपको भी ये मिष्ठान भांति स्वादिष्ट लगने लगेगी, अपनी मनपसंद सब्जी लगेगी। बड़ी चतुर हो तुम। उठा लो। क्या? अपने मनपसंद भोजन की पोटली उठा लो। ये शारदा करेले की सब्जी खिलाती रहती है और अम्मा लाठी बजा बजा कर आंदोलन करती रहती है। क्या हुआ अम्मा, फिर से कोई सपना देखा?
आने वाला है। क्या सपना? सपने वाला आने वाला है। अम्मा कह रही है उन्होंने मंगली सतैया को बुलाया है। है? मंगली सतैया रात सी नाई, उसे जो भी स्वप्न आता है वो सच हो जाता है, ऐसा सभी कहते हैं। हाँ सत्य है, मैंने भी सुना है, पर उन तो उसे क्यों आमंत्रित किया है? मुझे लगता है अम्मा के अंदर किसी बच्चे की आत्मा घुस गई है। देखो कैसे बच्चे की तरह कर रही है। कुछ भी नहीं समझते हैं क्या? अम्मा को पोता चाहिए। मुझे भी भाई या बहन चाहिए जो मिलता खेल सके। अच्छा तुझे भी भाई बहन चाहिए? इधला इधला अरे बंद करो तुम लोग ये नाटक। यदि दरबार समय पे नहीं पहुंचा तो महाराज मुझे निष्कासित कर देंगे, तब अपने बच्चे को अच्छी तरह से पालन पोषण करके बड़ा कैसे करूंगा? बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए। मूर्ख! हम नहीं कह रहे हैं, अम्मा कह रही है। मूर्ख, तू मुझे सिखाएगा? जब भी दरबार जाते हो कोई ना कोई समस्या लेकर आते हो, इसलिए मंगली सतैया को बुलाया है। वो आकर भविष्यवाणी करेगा कि कब बालक होगा, उससे भेंट करके फिर ही दरबार जा। माँ तुम सुनो तो, माँ तुम साफ कर दूंगा। अम्मा जी प्रणाम, आपने बुलाया था, लीजिए मैं उपस्थित हो गया। अम्मा कह रही है आप पहले आकर बैठिए। साफ कर दूंगा। बताइए अम्मा जी किसकी दाढ़ी साफ करनी है? इनकी? इनकी दाढ़ी तो पहले से ही साफ है, और आप दोनों की तो है ही नहीं, और इसकी तो अभी उगी भी नहीं है। अब क्या साफ करूं अम्मा? अम्मा को पोता चाहिए, इन्हें लगता है कि आप हमें बताएंगे। और मैं कैसे? को लगता है कि आप हमें बताएं कि आपको कब स्वप्न आएगा, और फिर ये भी बताएं कि हमारे घर बालक कब आएगा। अम्मा मुझे जो भी स्वप्न आता है वो सत्य हो जाता है, पर इस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है अम्मा, पता नहीं स्वप्न कब आए और कब नहीं। पर नहीं अम्मा, स्वप्न कभी भी आ सकता है और कुछ भी आ सकता है। हाँ पर मैं भविष्य वक्ता नहीं हूं अम्मा। यही बात तो मैं भी तब से अम्मा को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप कोई भविष्य वक्ता नहीं हो, पर फिर भी हमारे लिए कभी कोई स्वप्न आए ना तो अवश्य बताना, ठीक है? प्रणाम, कोई स्वप्न आएगा तो मैं बता दूंगा, साफ कर दूंगा। हाँ हाँ साफ कर दीजिएगा जी। माँ जब हमारे घर बलना बनना होगा तब बन जाएगा, अभी मुझे विलंब हो रहा है, दरबार पहुंचना है, चलता हूँ। उठा लो। क्या? अपनी भोजन की पोटली उठा लो और दरबार के लिए प्रस्थान करो। हाँ ठीक है, करेले की सब्जी के साथ। गुरुजी कैसे ये सेवक उस दुष्ट पंडित का आसन पोछ रहा है। आपके आसन को क्या, आपको भी कोई पोछ पोछ नहीं रहा है। गुरुजी अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब यही ना ये हमें दरबार से निष्कासित कर दिया जाएगा। यही ना
कि हमें संन्यास धारण करना होगा। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हमें सब विदित है। महाराज कृष्ण देव राय पधार रहे हैं। महाराज कृष्ण देव राय की। 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 पंडित रामकृष्ण महाराज, पंडित रामकृष्ण की प्रतीक्षा करना व्यर्थ। उन्हें समय का महत्व ही कहा है महाराज। प्रतिदिन ऐसा होता है महाराज, पंडित रामकृष्ण ने किसी न किसी बहाने दरबार में विलंब से आने का नियम बना लिया है। ऐसा नहीं है आचार्य, हो सकता है कि पंडित रामकृष्ण किसी आवश्यक कार्य में व्यस्त हो गए हो। आते ही होंगे वो। अच्छा, थोड़ा धैर्य रखिए आचार्य। दरबार से अधिक महत्वपूर्ण कार्य कोई हो सकता है? बोलिए महाराज, हमारे विचार से हमें दरबार की कार्यवाही प्रारंभ करनी चाहिए। नहीं गुरुवर, ऐसा नहीं चलेगा। पंडित रामकृष्ण को चेतावनी दी जाएगी, यदि आज के पश्चात वो राज दरबार में विलंब से आए तो उनको प्रवेश नहीं मिलेगा। और महाराज को प्रतीक्षा करवाने का दंड भी उन्हें अवश्य मिलना चाहिए। प्रणाम महाराज। पधारिए पधारिए, पंडित रामकृष्ण जी पधारिए। पंडित रामकृष्ण, विलंब से आने का कारण क्या है? क्षमा करें महाराज, आपको तो विदित ही है, जैसे राज हट होता है, बाल हट होता है, स्त्री हट होता है, वैसे ही मेरे घर पे अम्मा हट होता है। स्पष्ट शब्दों में बताइए पंडित रामकृष्ण। अब क्या बताऊं महाराज, अम्मा यदि एक हट पकड़ लेती हैं तो फिर वो किसी की नहीं सुनती। अब आज उन्होंने हट पकड़ लिया कि उन्हें एक बालक चाहिए। बालक? शिव 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 शिव, लज्जा आनी चाहिए। अब बताइए, इनकी अम्मा को दूसरे का बच्चा चाहिए, अपहरण करेंगे? अरे नहीं 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 आचार्य, ये आप क्या कह रहे हैं? शिव 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 शिव, बालक अर्थात उनका पोता, मेरा पुत्र। पोता? अद्भुत पंडित रामकृष्णा, अम्मा का विचार अद्भुत है। जी महाराज, अब आप ही बताइए, बालक आकाश से तो अवतरित नहीं होगा। जी महाराज, उन्होंने तो मंगली सतैया को भी घर पर आमंत्रित कर लिया। अब मंगली सतैया बताएगा कि हमारे घर पर बालक कब आने वाला है। वो पहले स्वप्न देखेगा फिर हमें बताएगा। हमने भी मंगली सतैया के बारे में सुना है। सुना है कि वो जो भी स्वप्न देखते हैं वो सत्य होते हैं। महाराज ये तो संयोग भी हो सकता है ना, अन्यथा ऐसा कहीं होता है भला? ये देखिए महाराज, ये देखिए, इनका तो स्वभाव ही ऐसा हो गया, हर बात को संदेहजनक दृष्टि से देखते हैं। तुम्हारा हृदय हमारी तरह विशाल होना चाहिए, हमारी तरह बड़प्पन होना चाहिए। ये भी तो हो सकता है कि मंगली सतैया को पूर्व जन्म का फल मिला हो, उसे वरदान प्राप्त हो कि उसके देखे स्वप्न सत्य होते। जी आचार्य, आप सत्य कह रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह ना जैसे आप ईश्वर के सामने बैठकर उनसे वार्तालाप करते हैं। क्यों? हम विचार कर रहे थे कि अगली बार जब हम मंगली सतैया से मिलेंगे तो उनसे पूछेंगे उनके स्वप्न के बारे में। मंगली सतैया को हमारे घर उपस्थित होने का न्योता दो। जी गुरु। अब फंसेगा पंडित रामकृष्ण, इसके साथ वो होगा जो इसने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। अरे
है मंगली सतैया? मुझे क्यों बुलाया गुरु? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? अगर कोई त्रुटि हो गई है तो अभी साफ कर दूंगा। कल रात्रि हम कैलाश पर्वत गए थे भगवान शिव से भेंट करने। लगता है स्वप्न में गए होंगे, क्योंकि कल रात तो ये थर्राटे मार मार के सो रहे थे। गए थे। हमने भगवान शिव से अपने भक्तों के बारे में भी बात की, तुम्हारे बारे में भी की। थोड़े क्रोधित थे भगवान तुमसे, तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है, ऐसा कहा भगवान शिव ने। साफ कर दूंगा। बस, भगवान शिव के विषय में ऐसी बातें करते हो? नहीं नहीं गुरुजी, अपने पापों को साफ कर दूंगा। कुछ लाभ नहीं होगा, तुम लोगों को मिथ्या स्वप्न बताकर मूर्ख बनाते हो। नहीं गुरुजी, मैं तो जो स्वप्न देखता हूँ उनके बारे में लोगों को बताता हूँ। मैंने कोई पाप नहीं किया गुरुजी। परंतु फिर भी तुमने जो पाप के कार्य किए हैं उसका प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। क्या करना होगा गुरुजी? कुछ अधिक नहीं, ये जो आसन है इस पर खड़े हो जाओ। पर मैं कोई बालक हूँ, ये कैसा प्रायश्चित है गुरुजी? मूर्ख प्राणी, हमारे गुरुजी से प्रश्न करता है। तुझे हमारे गुरुजी पे भरोसा नहीं है? गुरुजी इसने बहुत बड़ा दुस्साहस किया है, इसे अभी दंड दीजिए। नहीं 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 गुरुजी, मैं चाहता हूँ। जा। मुझे क्या करना होगा गुरुजी? बस कुछ अधिक नहीं, तुम्हें एक स्वप्न आया है। नहीं आया गुरुवर, नहीं आया। आया है, राजघराने के विषय में आया है। कोई सपना नहीं आया, नहीं आया गुरुजी। नहीं आया तो आने वाला है। गुरुजी मुझे कब और कैसा स्वप्न आएगा ये कोई नहीं जान पाया और ना जान सकता, आप भी नहीं। मैंने कुछ नहीं किया गुरुजी, मैं सच कह रहा हूँ। हम चाहते हैं कि तुम्हें स्वप्न आए, अवश्य आए। गुरुजी, अब यूं ही मुझे कब तक खड़े रहना होगा गुरुजी? जब तक तुम्हें अनुभूति नहीं हो जाती कि स्वप्न आएगा, अनुभूति हुई? हो गया। क्षमा करें गुरुवर, क्षमा करें, मैं सब समझ गया, आप जैसे कहेंगे वैसा ही होगा। क्षमा क्षमा गुरुदेव, क्षमा कर दीजिए गुरुदेव। अब तुम्हें कौन सा स्वप्न आएगा वो हम तुम्हें बताएंगे, और कल वो स्वप्न तुम महाराज के समक्ष बताओगे। समझ गए या फिर से आसन पर? समझ गया गुरुदेव, जैसी आपका आदेश, जैसा आप कहें सब साफ कर दूंगा। और वो स्वप्न क्या होगा वो हम तुम्हें बताएंगे, और कल वो स्वप्न तुम महाराज के समक्ष बताओगे। तुम्हें हो क्या गया? तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? वो साफ कर दूंगा। मंगली, हम सब जानते हैं। तुम्हें क्या लगता है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है?
इतनी बुरी मालिश तो आज से पहले तुमने कभी नहीं दी। तुम्हारी मालिश से हमारी थकान कम नहीं, अभी तो बढ़ती जा रही है। किस व्यथा में हो मंगली? हाँ, क्या समस्या है मंगली? क्षमा करें महाराज, अगर आप मुझे प्राणों का अभयदान दे दें तो मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ महाराज। निर्भीक होके कहो, क्या कहना चाहते हो? कल रात मुझे फिर से स्वप्न आया था महाराज। तुम्हारे स्वप्न तो सत्य होते? जी जी महाराज। तो बताओ क्या स्वप्न देखा? महाराज इस बार स्वप्न आपसे संबंधित है। कल रात मेरे स्वप्न में आपके पिता श्री नरसिंह नायक जी ने साक्षात दर्शन दिए महाराज। वो स्वयं मेरे सपने में आए थे। रामकृष्णा के लिए कुछ भी असंभव नहीं, उनके पास हर विपत्ति का हल होता है। हाँ, अब होगी पंडित रामकृष्ण की अग्नि परीक्षा। ऐसा तो ना कभी पहले देखा ना सुना। अर्थात आप ये कहना चाहते हैं कि मंगली सतैया को जो स्वप्न आते हैं वो मिथ्या है? नहीं गुरुवर, मैं तो केवल इतना निवेदन कर रहा हूँ कि किसी भी जीवित व्यक्ति का स्वर्ग जाना असंभव है। महाराज आपके पिता श्री आदरणीय नरसा नायक जी की कोई समस्या है और पंडित रामा कृष्णा को ये विदित नहीं है कि आपके पिता श्री कितने महान शासक थे, जन कल्याण हेतु कितने कार्य किए उन्होंने, सबकी समस्याएं सुलझाई। और आज उनकी कोई समस्या है तो हम कुछ नहीं करेंगे महाराज? करेंगे, अवश्य करेंगे गुरुवर। हमारे स्वर्गीय पिताश्री स्वर्ग में व्यथित हों और हम उनके लिए कुछ ना करें यह संभव है। हम करेंगे, अवश्य करेंगे, किंतु प्रश्न यह है कि कोई जीवित मनुष्य भला स्वर्ग में जा कैसे सकता है? पंडित रामकृष्ण, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस विषय में आप क्या कहेंगे? महाराज मेरे विचार से तो यह असंभव है, प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। संभव है महाराज, एक तांत्रिक अपनी तंत्र शिक्षा से ये कर सकता है। उसका नाम है तांत्रिक आत्मस्वामी। आत्मस्वामी? क्यों, क्या हुआ? आप इतने विस्मय में क्यों हैं? आपकी कोई समस्या है? नहीं नहीं आचार्य, मैं तो केवल इतना ही। अरे बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए, हर बात में आपकी टिप्पणी करना तो आवश्यक होता है। करिए करिए करिए, बोलिए। गुरुवर आप हमें तांत्रिक आत्मा स्वामी के विषय में कुछ बता रहे थे, बताइए। वो महान सिद्ध पुरुष है। वो पुरुष नहीं, वो तो महापुरुष है। अब विचार कीजिए, जिनकी प्रशंसा हम राजपुरोहित तथा चार्य कर रहे हैं वो क्या होंगे? जी गुरुवर हम समझ रहे हैं। महाराज वो परकाया प्रवेश करवा सकते हैं, शरीर को आत्मा से निकालने में सिद्धहस्त हैं, किसी भी मनुष्य को स्वर्ग भेज सकते हैं और वहां से पुनः वापस भी ला सकते हैं। यदि ऐसी बात है गुरुवर तो तांत्रिक आत्मा स्वामी को शीघ्र अतिशीघ्र हमारे दरबार में आमंत्रित किया जाए। महाराज हमारे सौभाग्य से तांत्रिक आत्मा स्वामी जी तो पहले से ही विजयनगर में हैं और हमने तो उन्हें अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित भी कर लिया है। अद्भुत आचार्यवर, अद्भुत। तो तांत्रिक आत्मा स्वामी को शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ पर हमारे दरबार में प्रस्तुत किया जाए। जी महाराज। रामा पहले स्वप्न आता है तुरंत तांत्रिक भी विजयनगर में आता है, ये संयोग कुछ विचित्र नहीं है? है तो सही बंधु, अवश्य ही कुछ गड़बड़ है, परंतु अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या प्रपंच है। कोई बात नहीं, आने देते हैं तांत्रिक आत्मा स्वामी को, अपने आप सब पता चल जाएगा। मुझे
आत्मा अमर है। मान्यवर, आपका हमारे दरबार में स्वागत है। आपकी यहाँ उपस्थिति से हम कृतार्थ हुए। पधारी आत्मा, तेरे पापों का प्रायश्चित इतना सरल नहीं है। तेरे पापों का दंड तुझे कई जन्मों तक भोगना होगा। भाग जा पखंडी। प्रस्थान कीजिए गुरुजी, अन्यथा ही पागल आप पर प्रहार कर देगा। अच्छा हुआ भाग्या, अन्यथा इसे अपने कलश में हमेशा के लिए बंदी बना लेता। परंतु हमारे गुरुजी तो यही हैं। अरे मूर्ख, ये तो महाज्ञानी तथा चार्य हैं। प्रणाम गुरुवर। गुरुवर आप नहीं, मैं तो इन भटकती हुई लालची आत्माओं से बात कर रहा था। इन्हीं ने मुझे क्रोधित किया है। आत्मा अमर है। पहले बोलना था ना महाराज, इन्हें आत्माएं दिखाई देती हैं। ये आत्मा से वार्तालाप करते हैं। तांत्रिक जी, हमें किसी एक व्यक्ति को स्वर्ग भेजना है और पुनः वहां से धरती पर वापस लाना है। क्या ऐसा संभव है? हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं। ये स्वर्ग, धरती, आकाश, ये तो सब सामान्य जन के लिए है। हम तो तीनों लोक में विचरण करते हैं। हमें ज्ञात है महाराज के पिताश्री नरसा नायक जी स्वर्ग में समस्याओं से ग्रसित थे और उन्हीं के लिए एक व्यक्ति को स्वर्ग में गमन करवाकर पुनः पृथ्वी पर बुलवाना है। यही ना? क्षमा करें मान्यवर, परंतु आचार्य ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, फिर आपको अपने आप कैसे पता चल गया? मूर्ख, तू मुझे क्या समझता है? तुझे आज ही हमेशा के लिए बंदी बनाता हूँ। आजा, इसमें समा जा, मैं तुझे आदेश देता हूँ। रमा, बुला रहे, जा जा। क्षमा करें, परंतु मैं इतने छोटे से पात्र में समाऊंगा कैसे? इन भटकती हुई आत्माओं को खुला छोड़ना बहुत ही घातक है। हाँ तो आप कुछ प्रश्न पूछ रहे थे? मैं नहीं, मैं तो आपकी जय कह रहा था। आत्मा स्वामी की जय, आत्मा स्वामी की जय। बस वाह, आप तो अंतर्यामी। आपने जान लिया कि महाराज के पिता श्री समस्याग्रस्त हैं। चमत्कार चमत्कार, हम महाकाल के सेवक हैं, हमें सर्वदित है। परंतु किसी को भी स्वर्ग भेजने की क्या आवश्यकता है? आप स्वयं स्वर्गीय नरसा नायक जी से पूछ क्यों नहीं लेते? असंभव है ये। हम अभी काल कपाल क्रिया में व्यस्त हैं और उस क्रिया को हम बीच में नहीं छोड़ सकते। तो स्वामी, आप किसी और को स्वर्ग भेजने का मार्ग बताइए। कालांतर काल प्रक्रिया से संभव है, किंतु ऐसी शक्तियां सिर्फ अमावस्या में ही सक्रिय होती है। आत्मा स्वामी जी, इस प्रक्रिया को किस प्रकार संपन्न करते हैं ये बताइए। महाराज, मैं अमावस्या की रात को अभिमंत्रित की हुई लकड़ियों की चिता बनाऊंगा और उसके पश्चात स्वर्ग गमन करने वाले व्यक्ति को उस पर बिठाऊंगा और फिर अपनी शक्तियों के द्वारा अग्नि प्रज्वलित करूंगा और वो व्यक्ति सूक्ष्म होके विलीन हो जाएगा। अर्थात वो जल जाएगा। मूर्ख, हमसे प्रश्न ऐसा? भूतों से बात कर रहे हैं ना? अरे तुझसे बात कर रहा हूं। अग्नि होगी किंतु व्यक्ति जलेगा नहीं। उस व्यक्ति को कुछ नहीं होगा, वह स्वर्ग जाएगा और पुनः सुरक्षित वापस आएगा। तांत्रिक जी, आपकी दृष्टि में इस कार्य के लिए कौन उचित है?
नक्षत्रों के अनुसार केवल तुला राशि ही इस अमावस्या की रात को स्वर्ग गमन कर सकती है। तुला राशि यानी त और र नाम का व्यक्ति स्वर्ग जा सकता है। वैसे तो मेरा नाम भी है, ये समस्या अब मेरे पल्ले ना पड़ जाए। कुछ सोच रहा हूँ, कुछ सोच। तथाचार्य होता है। तथाचार्य क्यों? और रासे वो बाबर रामकृष्ण भी तो होता है। परंतु आप मुझसे अधिक ज्ञानी हैं, प्रकांड पंडित हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं। तो वहाँ जाकर कौन सा शास्त्रार्थ करना है? वहाँ जाकर तो बस महाराज के पिता श्री की समस्या को जानकर वापस आना है। जी भी होता है तो महामंत्री जी भी तो जा सकते हैं ना स्वर्ग में। राशियों के अनुसार तो ग नाम का व्यक्ति भी स्वर्ग जा सकता है। ग नाम से तो कृष्णदेव जी का भी नाम है। ना, ना। महाराज कैसे जा सकते? महाराज नहीं जा सकते। राजाहीन राज्य में विद्रोह होने की समस्या हो सकती। जी गुरुवर, आप भी राज दरबार के राजगुरु हैं, क्षण क्षण आपकी भी आवश्यकता पड़ती है, तो आपका भी वहां जाना संभव है। जी महाराज जी। और हाँ महाराज, महामंत्री जी, राज्य व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए महामंत्री जी वो भी नहीं जा सकते। रामा, स्वर्गवासी होने के लिए तैयार हो जा। मैं तैयार? ये सुना आपने? पंडित रामकृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि वो जाने के लिए तैयार है। मैंने कब कहा? अभी कहा? नहीं कहा। अभी तो कहा। आपने गलत सुना, मैंने नहीं कहा। अभी कहा? नहीं आचार्य, नहीं कहा। ये उचित नहीं है महाराज। मंत्रीवर, हमें क्षमा कीजिए महाराज, हमारा कहना यह है कि यदि चार व्यक्तियों में से केवल एक व्यक्ति को जाना है तो ये कार्य पर्ची निकाल कर भी किया जा सकता है। तो जिसका नाम पर्ची में आएगा वो स्वर्गवास अर्थात स्वर्ग जाएगा। क्यों? इसकी क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है गुरुवर, आवश्यकता है जो भी कार्य हो न्यायपूर्ण हो। कल राज दरबार में ये कार्य संपन्न होगा। चार पर्चियां निकलेंगी और जिस किसी का भी नाम उस पर्ची पर आएगा वो स्वर्ग जाएगा। या तो हम भी फंस सकते हैं, क्या करें? राजशेखर कैसा रहेगा? नहीं, उसमें भी तुला राशि की समस्या है। नारायण? नहीं, वेंकट। हाँ, वेंकट सही रहेगा। नहीं तो सर्वपल्ली। लामा, तू थोड़े दिन के लिए मेरा नाम ले ले। दुंदप्पा, क्या प्याला नाम है। वाह, ये देखो दुंदप्पा कितना प्याला नाम है। अरे, नाम बदलने से क्या होगा? ना रहेगा तुला राशि का नाम, ना होगा स्वर्ग जाने का काम। माँ शारदा, अभी स्वर्ग जाने के लिए मेरे नाम की घोषणा नहीं हुई है। और अगर घोषित हो गया तो आप स्वर्ग चले जाएंगे और हमारा जीवन तो यहाँ नरक हो जाएगा। ए, परंतु तुम तो उठा लो। क्या? हमने जो भी नाम बोले हैं उसमें से एक उठा लो। आज से आपका नाम रामकृष्ण नहीं। लामा वल्ला, थोड़े दिन में तेरा नाम स्वर्गीय रामकृष्ण हो जाएगा। उठा लो। क्या? आसपास जो भी वस्तु पड़ी है उठा लो और मुंह में ठूस दो ताकि ऐसी बात दोबारा ना करना। अरे तुम लोग व्यर्थ में चिंतित हो रहे हो, ऐसे कोई स्वर्ग जा सकता है क्या भला? ये तो आचार्य का कोई नया प्रपंच है। हम जो कह रहे हैं वैसा ही कीजिए, फिर आपको स्वर्ग नहीं जाना पड़ेगा। शारदा, स्वर्ग जाने के लिए मेरा अवसर केवल 25% है, बाकी के 75% महाराज आचार्य और महामंत्री के हैं। और मुझे इस बार ऐसी अनुभूति हो रही है कि मेरा भाग्य मेरा साथ देगा। आपका भाग जैसा है, 1% अवसर हो ना तो भी आप ही का नाम आएगा, और यहाँ तो 25% अवसर है। अरे, पर नाम बदलने से व्यक्ति का भाग्य थोड़ी ना बदल जाता है। मेरा मन कह रहा है मेरा नाम नहीं आएगा और ये मेरा 100% मानना है।
100% पंडित रामाकृष्णा का नाम ही स्वर्ग जाने के लिए आना चाहिए। गुरुदेव, इस सु अवसर का लाभ उठाकर स्वर्ग तो आपको ही जाना चाहिए। गुरुजी, प्रजा कहती है जिस हिसाब से आपके कर्म है ना, उस हिसाब से आपको नरक में जाना चाहिए, परंतु स्वर्ग घूमने का अच्छा अवसर मिल रहा है, हाथ से ना छोड़िए गुरु जी, हाँ जल्दी ऊपर जाइए। इधर आओ। हरी मनी उचित कह रहे हैं स्वामी, अजय है, अजर अमर है, अंतर्यामी है, स्वर्ग तो आप ही को जाना चाहिए। सही कहा गुरु माता ने। कैसी पत्नी हो तुम, अपने पति को स्वर्गवासी बनाना चाहती हो? स्वामी, आप ही के कारण तो ये संसार स्वर्ग हो गया है, आपका तो सर्वप्रथम अधिकार बनता है स्वर्गवासी होने का। भाग्यवान भाग्यवान भाग्यवान, धरती पर हमें बहुत से महान कार्य करने हैं, हमारे पास स्वर्ग जाने का समय नहीं है। एक काम कीजिए, जाइए जाकर अतिथियों के लिए भोजन का प्रबंध कीजिए। जो आज्ञा प्रभु। और तुम, जीवन दुबर कर दिया तुमने हमारा, ये तुला राशि का नाम लाने की क्या आवश्यकता था? मैंने तो उस रामकृष्ण को फंसाने के लिए तुला राशि का नाम लिया था, ये तो स्मरण ही रहा कि आप भी तुला राशि के हैं। महाराज का नाम क्यों लिया? वो तो अनायास ही मुंह से निकल गया, मैं तो सोच रहा था कि मेरे ग्रह नक्षत्रों के ज्ञान से उन्हों प्रभावित होंगे। क्या? गोदवाल आचार्य, चाहे धरती आकाश चेक करना पड़े, पर्ची में नाम पंडित रामाकृष्णा का ही आना चाहिए। आप निश्चिंत रहें, नाम तो रामाकृष्णा का ही होगा। महाराज के आदेश अनुसार चार पर्चियों का निर्माण किया गया है, जिसमें हमारा, स्वयं महाराज का, आचार्य तथा चार्य का और पंडित रामकृष्ण का नाम है। जिस किसी की पर्ची निकलेगी वो हमारे महाराज के स्वर्गीय पिता श्री नरसा नायक जी से भेंट करेंगे, समस्या जानेंगे और फिर उसका निवारण किया जाएगा। महाराज की जय हो। महाराज, इस स्वर्ण कलश में सभी के नाम की पर्चियां हैं, स्वयं आचार्य तथाचार्य अब पर्ची निकालेंगे। गुरुवर। जी महाराज। महाराज, यदि आप आज्ञा दें तो सर्वप्रथम पर्ची मैं निकालना चाहता हूँ। क्यों, हम क्यों नहीं? आचार्य, नियमानुसार पर्ची का निर्माण करने वाला सर्वप्रथम पर्ची नहीं निकालता। अब आप जैसे महान व्यक्ति को मैं नियम के विरुद्ध कैसे कार्य करने दे सकता हूँ? उचित बात है गुरु। पंडित रामकृष्णा, ये कार्य आप कीजिए। धन्यवाद महाराज। रामा, इसमें तेरा ही नाम हुआ तो? ये क्या कर रहे हैं आप? वो उचित तरीके से खंगाल के पुतले निकाल रहा हूं आचार्य। के लिए और मेरे लिए दुर्भाग्यशाली है, इसमें तो तेरा ही नाम है। पंडित रामकृष्णा, किसका नाम है पर्ची पर?
मेरा ही नाम है महाराज। अब कैसे निकलेंगे इस समस्या से आप पंडित रामकृष्ण? अब क्या करेंगे रामा? अब तेरे साथ साथ मुझे भी स्वर्ग जाना पड़ेगा।